प्रणाम, वेलकम बैक। आप लोग थे ब्रेक पर, अपडेट्स आपने सुनी, सलमान मिर्जा आपको सुना रहे हैं गर्मा गर्म सुबह सुबह खबरें। और स्टूडियो में कौन है? स्टूडियो में है आफरीन शिराज, जिनसे हम ये बातें कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर। इतना सारा फैशन आ चुका है और बहुत सारे सैलून्स भी मौजूद हैं, स्पा भी मौजूद है, तो आप क्या डिफरेंट काम कर रही हैं? तो ये अपने डिफरेंट काम को हम तक पहुंचा भी रही हैं। आप लोग कॉल भी करके इनसे बात कर सकते हैं, टेलीविजन पर हमारा नंबर भी आ रहा है, और ईमेल ज़रूर करनी है आप सारे लोगों ने। अगर नहीं की तो फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हो सकती है आप लोगों से मेरी। अच्छा जनाब आफरीन, मुझे ये बताओ कि प्राइस रेंज पर मैंने बात कर ली, आपने कहा भी कि आपके पास अब जो आपने ये सारे डिज़ाइनर्स को तकरीबन 17-18 डिज़ाइनर्स हैं जो कि एक ही जगह मौजूद है। अच्छा, इन डिजाइनर्स की जो जाहिर है इनका प्राइस टैग या इनकी प्राइस रेट्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो उसको भी थोड़ा मैच करने की कोशिश की है कि वो भी उसको कॉम्प्लीमेंट करे जो आप सर्विसेज दे रही होती हैं उनको, मतलब सैलून और हाँ, क्योंकि एक मैच रहे ना कि हाँ, अच्छा एक सैलून हाँ, एक बहुत ही सेटल हाँ, किस्म के प्राइस हाँ, के अंदर मौजूद है, बट आपका कॉस्ट्यूम जो है वहाँ पर जो क्लोथ लगे हुए हैं वो ज्यादा बहुत हाईली हो तो नहीं। देखिए, हर चीज जो है फीडबैक पे बेस्ड है, बिल्कुल ठीक है, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहे आगे जो भी कर रहे हो। तो मेरे क्लाइंट्स के फीडबैक पे इस पे और मेरे एक्सपीरियंस पे ये था कि एंड जैसे आपने पूछा था कि हाउ डिड इट दिस कॉन्सेप्ट कम अलोंग, कि एक दिन मुझे कुछ खरीदना था, किसी डिनर पे जाना था, मैंने बहुत रिसर्च की, मैं हर जगह घूमी, या तो मुझे वो बहुत प्राइस जो पसंद आता था वो इतना प्राइसी था कि आप ये सोचें कि एक डिनर के लिए मैं इतना एक्सपेंसिव जोड़ा जो है वो ले लूं एक या दो बार। अच्छा, एक एक्सपेंस और भी लोग कर रहे हैं कॉल्स का ना अपने, तो वो जरा ले लेकर बात करती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बात कर रही है, कहाँ से? कराची से बात कर रही हूँ, मासूमा। मासूमा जी, कहिए मासूमा जी। आपके गेस्ट से कुछ पूछना था। हुक्म, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, ये जो चेहरे पे जो बाल होते हैं इसको कैसे रिमूव किया जाए? मुझे आवाज नहीं आ रही, मुझे आ गई है। ठीक है, और मासूमा थ्रेडिंग से या हॉट वैक्सिंग वगैरह से कैसे, कौन सा तरीके जो है वो बेस्ट होगा? ओके मासूमा, ठीक है, लेकिन एक सवाल ये मुझे बताओ कि बाल जो हैं वो बहुत ज्यादा थिक हैं चेहरे के ऊपर? जी थिक है, थिक बाल है। चलो ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ आफरीन से। थैंक यू वेरी मच मासूमा। पूछ रही हैं कि बालों पे जो चेहरे पे अक्सर लोगों के बाल होते हैं ना, तो वो पूछ रही हैं कि वैक्स से करवाएं उसको या थ्रेडिंग के थ्रू करवाएं तो ज्यादा बेस्ट रहता है क्या? वैक्स ज्यादा बेहतर है। वैक्स ज्यादा बेहतर है जी, मोटे बाल भी हैं वो, इसीलिए मैंने उनसे पूछा था कि थिक तो नहीं है बाल जी। वैक्स ज्यादा बेहतर है और फेस वैक्स का भी बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए क्लाइंट्स को, क्योंकि हर जगह आपको पता है जो आजकल जगह है वहाँ हाइजीन बिल्कुल भी नहीं है, एंड हम लोग जो वैक्स यूज करते हैं दैट इज अगेन एन इम्पोर्टेड वैक्स जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए होती है। अच्छा, अभी अभी की बात है, मैं कल परसों शायद 2-4 दिन पहले एक हमारी जाने वाली मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो अब अपर लिप्स के ऊपर उन्होंने वैक्स करवाया होगा, ठीक है, और बिलीव मी और नॉट वो पूरी जगह जल गई है। क्या फायदा कि आप जाकर, थैंक गॉड, मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है हमारे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। देखो ना, क्वालिटी मैं आपको बताऊं, एक एक्सपर्टीज चाहिए हर कोई, ये भी जो है वो फेस वैक्स नहीं कर सकता, एक एंगल होता है, एक टेम्परेचर होता है वैक्स का, तो उन सब चीजों का बहुत ख्याल। अच्छा देखो, ये इतनी बारीक बारीक बातें आप लोग कर रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं खुद इतनी ज्यादा कोई फैशन और ये सारी चीजें करने वाली नहीं, इसलिए मुझे समझ नहीं आती। मुझे बताओ कि खुद कौन कौन से ट्रीटमेंट्स वहाँ पर लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग आते होंगे और वो कहते होंगे जी आफरीन किधर है, वो सब ढूंढ रहे होते हैं ना एक आदमी को, बस उसी से करवाने सारे का, तो आप कौन सी अपनी एक्सपर्टीज अपने सैलून को देती है हुक्म चलाने के अलावा? देखिए, मैं आई डू हेयर कट्स माई सेल्फ, ओके, ठीक है, कलर मैं भी करती हूँ, लेकिन मेरे पास स्टाफ है जो करता है तो मैं गाइड कर देती हूँ। क्लाइंट्स चाहते हैं कि मैं उनको बताऊँ कौन सा कलर सूट करेगा नहीं करेगा, सो आई प्ले माई पार्ट एज अ कंसल्टेंट देयर, ठीक है, एंड मेकअप मैं करती हूँ, हेयर कट मज़े का करती हूँ मुझे खुद का हेयर कट बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक हमने पैकेज तैयार किया है आफरीन का, वो वाला जिसमें बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स जो हैं उन्होंने अपने क्लोथिंग्स दिए हैं और बहुत अच्छे हैं और बहुत डिफरेंट कलर्स हैं, आगे चलकर देखते हैं पहले।
की दुनिया है वैसे ही बिल्कुल, इस पर बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? फिर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा आ रहा है। कौन बात कर रही है? मैं सदफ खान बात कर रही हूँ। जी सदफ, कहिए। कैसी है? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आपकी जो गेस्ट है उनसे बात करनी है। बिल्कुल जी, बताएं। कैसी आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे आपसे ये कंसर्न है, पहले मुझे बताइए कि आपका पार्लर किस टाइम पे ओपन होता है, क्योंकि मैं एक मदर हूँ और मुझे हम लोगों को सुबह का टाइम बड़ा सूट करता है। अगर कोई पार्लर 10 o'clock ओपन हो जाए, हम आ जाएँ फेशियल कराएं और जाके बच्चों को 12-1 बजे ले लें। अक्सर पार्लर खुलते ही 11-12 बजे हैं और पूरा दिन इतना बिजी होता है कि निकलना घर से बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक बात ये है, सेकेंड बात यह कि ड्राइव करके ना हाथ ज़रा टैन हो गए हैं, बल्कि बिल्कुल शक्ल से फ़र्क ही हो गए हैं, और मैंने उन पर काफ़ी मेहनत की, ब्लीच कर लिया, वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे बताएं कि आपके पार्लर में कोई इसका मायर है कि हम ये इसको सही करने के लिए मैं आपके पार्लर में आऊँ, मुझे 2-3 सिटिंग्स के बाद कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सके। बस मेरे यही दो कंसर्न है, मैं टीवी पे जा रही हूँ, आप मुझे ऑन एयर जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक है सदा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ेदार क्वेश्चन है, सुबह सुबह बच्चों को छोड़ें उधर पार्लर जाएं, सुकून करें, तफरी करें, क्या करें? मतलब सदफ आज कितने बजे खुलता है आपका पार्लर? हम लोग 10:30 बजे खुल जाते हैं। राइट, दिस इज़ फॉर मदर्स विथ यंग चिल्ड्रन, ठीक है, उनको सुबह का टाइम सूट करता है। देन एट द सेम टाइम वी क्लोज लेट, दैट इज़ 8:30 फॉर वर्किंग वुमेन, ठीक है, ताकि उनको भी सूट करे कि काम के बाद वो लोग आकर अपने ट्रीटमेंट्स करा सकें। गुड आफरीन, बहुत आप खुद ही इस सारी चीज़ों की मास्टर माइंड है या कोई और है? ये बता दो, खुद ही हो? बेसिकली मैं हूँ, बट ऑफकोर्स माई इन माई फ्रेड स्टोर, ठीक है, माई हस्बैंड एडवाइजेस मी बहुत ज्यादा, दोनों मिलके कर रहे हो उनके एडवाइस पे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, ये बोल रही हैं कि ड्राइव कर करके जो है हाथ जो है बहुत ज़्यादा टैन हो गए हैं और वो अच्छा नहीं रहा, तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट? जी, उसके लिए ये है कि हमारे पास स्किन पॉलिशिंग ट्रीटमेंट्स हैं स्पेशली टैन को उतारने के लिए, तो ये ज़रूर आएँ, ठीक है, सैलून पर जहाँ। और वो कितने ट्रीटमेंट, कितनी सिटिंग्स के बाद उसके रिजल्ट्स आ जाते? डिपेंड करता है कि कितना उनका टैन है, वो क्या अचीव करना चाह रही हैं। हम लोग आर्म्स का एंड बैक का फेशियल भी करते हैं, इट्स नॉट ओनली फेस, बिकॉज कभी कुछ लोगों को बैक प्रॉब्लम भी होती है, आर्म्स में भी एलर्जीज या रैशेज होते हैं, उसको भी हम सूद करते हैं। सो हर यू नो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है सदफ, मेरे ख्याल आपको जवाब मिल गया होगा। 10:30 बजे एलिमेंट खुल जाता है, जाइए और सुबह सुबह बच्चे को छोड़िए स्कूल में और खुद चले जाएं ब्यूटी पार्लर के अंदर और जाकर अपनी वो जो स्किन का आपका प्रॉब्लम है हाथों का, वो भी ज़रूर एड्रेस करवा लें, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। और हाथ पैर, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं समझती हूँ बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। वैसे तो आपकी सारी बॉडी सुबह से हाइजीन हाइजीन कर रही हूँ, चीख रही हूँ, ज़रूर साफ़ रखें, लोग नहीं करते, बहुत सारे लोग, वैसे अभी डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है मैं बता रही हूँ, फिर भी बहुत सारे लोग अपने जो है टंग के ऊपर ब्रश नहीं करते और उसको समझते ही नहीं है इम्पोर्टेंट। मेरा नहीं ख्याल है कि 1% लोग भी करते होंगे, लेकिन ये करना चाहिए। मैं करती हूँ। गुड गर्ल, फौरन से जैसे स्कूल में होता है ना टीचर, हम करते हैं ये काम, ये वो सारी बात है, लेकिन अच्छी बात है, ये सब करने से आप खुद अपने आप को सेफ रखते हैं। अवेयरनेस से ही ये चीजें पता चलती हैं। आप इस तरह के जैसे गेस्ट बुलाएंगे, वो बताएंगे, मासेस में ये बात जाएगी, दे विल फॉलो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप ये बताओ कि ये सब तो हो गया, मतलब माशाल्लाह एलिमेंट कर रही हो, सांसेस पास चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लोग रिकग्नाइज भी कर रहे हैं, अप्रिसिएशन भी आ रही है, फिर डिज़ाइनर का वो सारा जो एक मूव था क्लोदिंग का, और फिर आप कह रहे हो उसमें आपने वहाँ शूज़ भी मौजूद है, आपके बैग्स भी हैं, इनफैक्ट आई थिंक ज्वेलरी भी बताई आपने मुझे, ज्वेलरी भी है, ठीक है। अब ये सब हो रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट? मैं तो रेस्ट नहीं लेने वाली, सो प्लीज बस देखें, प्लानिंग हो रही है फुल स्पीड, फुल स्पीड, फर्स्ट गेयर में गाड़ी डाली, बिल्कुल। तो अब आप देखें कि क्या है, फिलहाल के लिए वी वांट टू एक्सपैंड टू अदर सिटीज, लाहौर भी आर प्लानिंग, मोर देन इंपॉर्टेंट। जी देखिए, जैसे मेरे पास डिजाइनर्स लाहौर के बहुत हैं, कराची वाले जो हैं उनको बहुत पसंद है लाहौर फैशन, सिमिलरली लाहौरीज को कराची फैशन बहुत पसंद है, फैसिनेट करता है, फैसिनेट करता है, उनको डिफरेंट लगता है जैसे हमें उनका फैशन डिफरेंट लगता है। सो दैट इज व्हाई वी वांट टू टेक आवर डिजाइनर्स एंड एक्सपोज देम टू द लाहौर मार्केट। अच्छा एक छोटी सी बात है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे देखिए सच बात इसलिए बार बार कह रही हूँ, मुझे नहीं पता तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ, लाहौर का फैशन बिल्कुल कोई मुझे अलग दुनिया का फैशन लगता है, आई मस्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनके हेयर के स्टाइलिंग जो है बिल्कुल डिफरेंट होती है। अभी याद है बीच में बहुत सारे लोगों ने अपने बालों को कलर करना शुरू कर दिया था, लेकिन जो कलर्स मैंने लाहौर में देखे थे वो मैंने पूरे पाकिस्तान में नहीं देखे, हर कलर बालों में लगाया। लाहौर ज्यादा लाउड है ना, यस, कपड़ों में, कलर्स में,
कराची और वो मुझे लगता है सारा फैशन करते हैं जो जो दुनिया में चल रहा होता है सब लगा लेते हैं जी। लेकिन कराची वालों ये बात नहीं है कि मैं लाहौर वालों की कोई बुराई कर रही हूँ, हरगिज़ नहीं, बट वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट यही मैं बात कहना चाहती हूँ, वो देखते हैं, वो चेक करते हैं कि उनके ऊपर क्या चीज अच्छी लगती है। हम लोग हैं, ये कलर पहन लिया, यही सूट करता है, यही पहनी है, इसके अलावा दूसरा खरीदने ही नहीं है, इसी तरह के छह और खरीद के रख लेंगे। अच्छा कॉलर भी हैं साथ साथ। आफरीन, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं जनाब, कौन बात कर रही हैं? मैं सनोवर बात कर रही हूँ। सनोवर जी फरमाइए। जी ब्यूटीशियन से बात करनी थी। सनोवर कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से। ओके जी, बात कीजिए आफरीन जी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे पूछना था कि मेरी समर में ना ड्राई स्किन होती है, विंटर समर में ऑयली स्किन होती है, विंटर में बहुत ड्राई होती है, टी जोन एरिया बहुत ड्राई हो जाता है, तो मुझे बताएं कि मैं कौन सा सोप या फेस वॉश कौन सा यूज करूं, और आप मेकअप जो करती हूँ इतनी स्किन ड्राई हो जाती है, हमें कैसे प्रॉपर मेकअप करना चाहिए, क्या अप्लाई करना चाहिए पहले ताकि ड्राई स्किन, आफ्टर स्टिक हम यूज करते हैं उससे पहले हमें क्या करना चाहिए जो बेस हमारा सही रहे, और ड्राई स्किन जो धब्बे से हो जाते हैं ना वो नहीं होने, पैचेस आ जाते हैं। ठीक है सनोवर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, आप इनसे मैं जवाब लूँगी, ये प्रोडक्ट अच्छी यूज़ करें तो मेरा ख्याल उससे भी फ़र्क पड़ेगा जी। क्या जवाब दूँगी? देखिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड अकॉर्डिंग टू द सीज़न हम लोग चलते हैं, बिकॉज समर में डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट लाइन होती है। विंटर के लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, वरना आपके ड्राई पैचेस पड़ जाते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन, कि हमारे बहुत कंप्लेंट्स आती हैं कि बाकी तो सब सही है बट ड्राई पैचेस हैं। उसके लिए अगेन मैं आपको यही बताऊंगी कि प्रोडक्ट मेक्स अ लॉट ऑफ इट डिफरेंस। हमारे विंटर प्रोडक्ट्स जो हम सजेस्ट करते हैं क्लाइंट्स को, विंटर क्लेंजर्स आर डिफरेंट, मॉइस्चराइजर्स आर डिफरेंट, इसी तरह समर के प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट है। और इसके लिए सबसे अच्छा मैं तो यही राय दे सकती हूँ, क्योंकि देखिए ना तो मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन ये कि आप लोग अच्छे सलोन्स पे ज़रूर जाएँ, वहाँ पर जाकर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे बैठ कर बात करें, वो आपको कुछ अच्छे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो ज़रूर रेफर कर देते हैं, और फिर आप उनको अप्लाई करवाएं और रिजल्ट्स देखें, और रिजल्ट कोई एक दिन में नहीं आता, एक रात में नहीं आता, इट्स टेक टाइम। स्किन मॉइस्चराइज रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रेटेड, अगर आप हाइड्रेशन के लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ वाटर एज वेल, एटलीस्ट मिनिमम 8 to 10 ग्लासेस अ डे, उससे अंदर से आपकी हाइड्रेशन होगी एंड ऊपर से देन द क्रीम्स वर्क, क्रीम वर्क्स, और यहाँ वर्क करेगा ब्रेक।